नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के दो पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 3। तुकाराम खामोश रहा, यानी कि नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तुकाराम, ये सोहल है जिसने सोनपुर के डॉक्टर स्लेटर से अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सोहल के उस नए चेहरे की तस्वीर है जो उसने डॉक्टर स्लेटर नाम के प्लास्टिक सर्जन से 10 लाख रुपए में हासिल किया है। और उसके इस नए चेहरे का राजदा कोई गवाह ना रहे, इसलिए उसने नया चेहरा हासिल हो जाने के बाद डॉक्टर स्लेटर का खून कर दिया। लेकिन उसकी ये होशियारी किसी काम नहीं आई। अब कंपनी राजदा है उसके नए चेहरे की। समझता था सूरत बदलकर वो कंपनी की निगाहों में छुप जाएगा। उसने इस बात तुकाराम दिलेरी से बोला, कंपनी की निगाहों से छुपने के लिए सूरत नहीं बदली। इकबाल सिंह, वो आदमी क्या कंपनी का खौफ खाएगा जो कंपनी के इतने बड़े निजाम को बमे उसके बादशाह बखिया अकेला नेस्तनाबूद कर चुका हो, जिसकी धमकी की तलवार खुद तेरे सिर पर लटक रही है, जिसके खौफ से तू एक पगलाए हुए भैंसे की तरह डकारता इधर उधर टक्करे मारता फिर रहा है। पता नहीं रात को नींद भी आती है या नहीं तुझे। आती भी होगी तो ख्वाब में सोहल की सूरत देख के जाग जाता होगा, और खौफ से घिघी बांधे अपने उन अंगरक्षक प्यादों की गोद में जा छुपता होगा जिन्होंने शायद तेरी ख्वाबगाह में तेरी बीवी की जगह ली हुई है। हैर जस साले, इकबाल सिंह दांत पीसता हुआ बोला। उसका एक झन्नाटेदार थप्पड़ यूं तुकाराम के चेहरे से टकराया कि गेंद की तरह पीछे तकिए पर उछल गया। तुकाराम पर वार होता देखकर वागले तड़पकर आगे को लपका, लेकिन चार प्यादों ने उसे मजबूती से पीछे दबोच लिया। पीड़ा और अपमान से तिलमिलाता हुआ तुकाराम सीधा हुआ। उसने ऐसी खूंखार और बेखौफ निगाहों से इकबाल सिंह की तरफ देखा कि वो हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से अपने दाएं बाएं निगाह डाली और ये देखकर आश्वस्त हुआ कि उसके बॉडीगार्डों के हाथों में रिवॉल्वर प्रकट हो चुकी थी और वे तुकाराम की तरफ तन चुकी थी। इकबाल सिंह ने तुकाराम की गोद से सरक कर नीचे जा गिरी तस्वीर उठा ली और फिर अपने स्वर को भरसक सुसंयत करता हुआ बोला, अब कहाँ है ये आत्माराम। मुझे नहीं मालूम, तुकाराम भावहीन स्वर में बोला। मुझे तेरे से इससे बेहतर जवाब की उम्मीद नहीं थी। इकबाल सिंह एक क्षण खामोश रहा, फिर उसने एक बार फिर तस्वीर पर निगाह डाली और फिर बड़े हसरत भरे स्वर में बोला, और कुछ हो ना हो, मुकद्दर का धनी है ये सरदार का बच्चा। मेरी कार में, मेरे पहलू में बैठकर, मेरे साथ मेरे बॉडीगार्डों की छत्र छाया में बम्बई सेंट्रल स्टेशन तक गया तेरा भांजा आत्माराम। काश मैंने रत्ती भर भी ध्यान उस बुजुर्गवार रूपचंद की दुहाई की तरफ दिया होता जो पुकार पुकार कर कह रहा था कि वही सोहल था। मेरे से गलती हुई तुकाराम, रूपचंद की बात पर यकीन न आने के बावजूद मुझे तेरे उस कथित भांजे को थाम कर रखना चाहिए था। तुकाराम के चेहरे पर एक विद्रोहपूर्ण मुस्कुराहट खेल गई। खैर कोई बात नहीं, इकबाल सिंह बड़े सब्र के साथ बोला, अभी एक बात मेरे हक में है। अभी सोहल को नहीं मालूम कि मुझे उसके नए चेहरे की खबर लग चुकी है। अपने नए चेहरे की कामयाबी से मुतमईन वो बेखौफ यहाँ आएगा, यहाँ अपने मोहसिनों के पास, अपने मेहरबानों के पास। क्या ख्याल है तुकाराम, आएगा ना वो यहाँ। तुकाराम फिर चिंतित हो उठा, आखिर लौटना तो सोहल ने वहीं था। तू सोच रहा होगा, इकबाल सिंह बोला, कि वो इधर का रुख करेगा तो तू उसे कोई इशारा विशारा करने की जुगत भिड़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा तुकाराम। तेरी या तेरे इस शागिर्द की, उसने वागले की तरफ देखा, पलक भी ना झपकने दी जाएगी यहाँ। तुम अपने प्यादों को यहाँ मेरे सिर पर बिठा कर जाओगे। ना सिर्फ तेरे सिर पर बिठा कर जाऊंगा, इलाके के चप्पे चप्पे में फैला कर जाऊंगा। सोहल का एक कदम चैम्बूर में पड़ेगा तो दूसरा जहन्नुम के दरवाजे पर होगा। वो यहाँ नहीं आएगा, शायद आ जाए, नहीं आएगा, तुकाराम आश्वासनहीन स्वर में बोला। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार कर सकता हूँ, नहीं आएगा तो उसे बुला लिया जाएगा। बुला लिया जाएगा तुझे लिवा ले जाने के लिए, जैसे पहले भी एक बार वो तुझे और तेरे छोटे भाई देवाराम को लिवा ले जाने के लिए होटल सी व्यू में पहुंचा था। तब उसके पास बखिया साहब के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिटिल ब्लैक बुक थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा उसके पास। तुकाराम, इस बार उसे तेरी जान का सौदा अपनी जान से करना होगा। मैं
तुकाराम मुस्कुराया। ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं तेरा इशारा किस तरफ है, लेकिन इत्मीनान रख, खुदकुशी का मौका भी तुझे नहीं दिया जाएगा। मैंने अपने प्यादों को समझा दिया है, अगर तू अपनी जान लेने में कामयाब हो गया तो इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों बे कामले? बाप, कामले ने खींचे निपोरी, मेरी इजाजत के बिना इन दोनों में से कोई पलक झपक जाए तो कहना। सुना? तुकाराम खामोश रहा। वैसे इकबाल सिंह बोला, हो सकता है यहाँ की ये सब किलेबंदी गैर जरूरी साबित हो, सरदार का बच्चा पहले ही हमारे हाथ आ जाए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने खुद कंपनी के सिपहसालार को सोनपुर भेजा है, वहां मौजूद डॉक्टर स्लेटर के स्टाफ को सोहल के वहां वापस लौटने की उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे है वो वहां लौटा तो डोंगरे के हाथों में पड़े बिना नहीं रह सकेगा। सोहल के नए चेहरे की पोल डॉक्टर स्लेटर के स्टाफ ने खोली। और कौन खोलता? क्यों, ये एक लंबी कहानी है। सोहल यहां लौट आया तो उसी की जुबानी सुनना, ऐसी किस्सा कोई मौत से पहले चंद घड़िया गुजारने में काफी मददगार साबित होती है। तुकाराम खामोश रहा। एक बात बीच में ही रह गई। इकबाल सिंह उठने को हुआ और फिर बैठ गया। तू कह रहा था कि सोहल ने अपनी सूरत कंपनी की निगाहों से छुपने के लिए नहीं बदली, तो फिर किस लिए बदली? अभी सोहल आता ही होगा, तुकाराम व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, उसी से पूछना। तुकाराम, इकबाल सिंह आहत भाव में बोला, मैं तेरे साथ इतनी नरमी और इतनी सराफत से पेश आ रहा हूं और तू मेरे से मस्खरी करता है। जानता है, मेरी जगह अगर बखिया साहब होते तो तेरे इस गुस्ताख जवाब की एवज में वो अब तक तेरी खाल खिंचवा चुके होते। तुकाराम खामोश रहा। ठीक है, इकबाल सिंह उठ खड़ा हुआ, मैं चलता हूं, सोहल आ जाए तो हम सब इकट्ठे बैठकर गुफ्तगू करेंगे। फिर बेशुमार प्यादों को और बतौर उनके इंचार्ज बाबू कामले को पीछे छोड़कर अपने बॉडीगार्डों के साथ इकबाल सिंह वहां से विदा हो गया। दोपहर बाद 2 बजे के करीब अपने दलबल के साथ कंपनी का सिपहसालार श्याम डोंगरे सोनपुर पहुंचा। सफर में वही हुआ था जिसका उसे अंदेशा था। उसकी गाड़ी राजनगर 6 घंटे लेट पहुंची थी। डॉक्टर स्लेटर के क्लिनिक पर वो डॉक्टर स्लेटर की जिंदगी में वहां की केयरटेकर हेल्गा, उसके भाई जैक और उसके यार रिची से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि सोहल को वहां से गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे? डोंगरे मायूसी से बोला, यानी कि गाड़ी लेट ना हुई होती तो सोहल वहीं उसके कब्जे में होता। हाँ, हेल्गा बोली। किधर गया? डोंगरे ने पूछा। मालूम नहीं, हेल्गा बोली। राजनगर ही गया होगा, जैक बोला, क्योंकि जिस टैक्सी पर वो गया था वो राजनगर की थी। जरूरी नहीं, डोंगरे पूर्ववत मायूसी से सिर हिलाता हुआ बोला, उसके यहां लौटकर आने की कोई उम्मीद? हेल्गा, जैक और रिची तीनों के सिर इनकार में हिले। उसे इस बात की तो खबर नहीं, डोंगरे बोला, कि तुम लोगों ने उसके नए चेहरे की मुकम्मल पोल पट्टी कंपनी को भेज दी है। किसी ने उत्तर ना दिया। यानी कि है? डोंगरे उन्हें घूरता हुआ बोला। हमें बताना पड़ा, हेल्गा तनिक दिलेरी से बोली, वो हमें जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। मार डाला नहीं जान से, तुम्हारी करतूत की जानकारी हासिल हो जाने के बाद भी जिंदा छोड़ गया तुम लोगों को। तीनों बेचैनी से पहलू बदलने लगे। डोंगरे जैक की तरफ घूमा, पांव को, वो बोला, ताजा ताजा ही कुछ हुआ मालूम होता है। जैक ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। क्या हुआ? डोंगरे ने पूछा। सोहल ने गोली मार दी, जैक कठिन स्वर में बोला। कब? तुम लोगों की उसके साथ दगाबाजी से पहले या उसके बाद? पहले। हमने एकाएक हेल्गा फट पड़ी। सोहल के साथ क्या किया या क्या नहीं किया, इससे तुमने क्या लेना देना है? तुम्हारे यहाँ आने के पीछे जो खास मुद्दा है वो ये कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। कंपनी का तो भलाई किया ना हमने? हाँ, वो तो है। फाइल तुम्हारे मतलब की निकली या नहीं निकली? निकली। तो फिर वो रकम निकालो जिसका तुम्हारे बॉस ने हमसे वादा किया था। 10 लाख रुपए, जैक भी दिलेरी से बोला। पूरे? हेल्गा बोली। ये, डोंगरे ने रिची की तरफ इशारा किया, गूंगा है? गूंगा? हेल्गा सक पकाई, काहे को? बोला जो नहीं अभी तक एक बार भी। डोंगरे ने फिर रिची की ओर देखा। लगता है तुम्हारे करतूत से इसे इत्तेफाक नहीं। बातों में वक्त जाया ना करो और रोकड़ा निकालो, अभी लो। डोंगरे के संकेत पर एक प्यादा गाड़ी में से नोटों से भरा एक सूटकेस निकाल लाया। ये तो हेल्गा के मुंह से निकला, बहुत ज्यादा रोकड़ा मालूम पड़ता है। 20 लाख, डोंगरे बोला। 20 लाख? तुम्हारे लिए ही था,
बशर्ते कि तुम लोग सोहल को पकड़वा पाए होते। ओह, अब सिर्फ 10 लाख। हेल्गा के चेहरे पर यूं मुर्दनी छा गई जैसे उसका रोकड़े का नुकसान ना हुआ हो, बल्कि एकाएक किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत का समाचार मिला हो। शुक्रवार सुबह विमल अपनी चिर परिचित पाप की नगरी बंबई में था। बृहस्पतिवार को शाम को वो सोनपुर से राजनगर आ गया था और फिर अगली सुबह बंबई की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से बंबई पहुंच गया था। अपना प्लेन का सफर उसने अपने हिप्पी बहुरूप में किया था। नए चेहरे की वजह से अब उसे पब्लिक या पुलिस द्वारा पहचान लिए जाने का अंदेशा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि एयरपोर्ट पर कंपनी के आदमी उसकी ताक में हो सकते थे। सोमवार को हेल्गा द्वारा सोनपुर से बंबई भेजी विमल की फाइल अब तक निश्चय ही इकबाल सिंह को मिल चुकी थी और अब उसे विमल के नए चेहरे की जानकारी होना अवश्यंभावी था। एयरपोर्ट से वो निर्विघ्न निकल गया। वो इतना बखूबी समझता था कि उसके नए चेहरे की तस्वीर पर निगाह पड़ते ही इकबाल सिंह को तुकाराम का आत्माराम नाम का वो भांजा याद आ जाना था जिसे इकबाल सिंह खुद अपनी कार में बिठाकर बंबई सेंट्रल स्टेशन छोड़कर गया था और फिर इकबाल सिंह ने फौरन से पेशतर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तुकाराम पर चढ़ दौड़ना था। उसने पहले सोनपुर में डॉक्टर स्लेटर की डायरेक्ट लाइन से और फिर राजनगर से टेलीफोन करके तुकाराम को इस बाबत चेतावनी देने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कॉल लग नहीं पाई थी। मराठा फोन करके सलाउद्दीन से बात करने की कोशिश भी बेकार गई। ट्रंक ऑपरेटर का कहना था कि कुछ बाढ़ की वजह से और कुछ किन्हीं अन्य तकनीकी कारणों से राजनगर बंबई रूट की लगभग सभी ट्रंक लाइनें जाम थी। एयरपोर्ट से विमल सबसे पहले सिवरी पहुंचा। वहां मिनर्वा स्टूडियो के करीब वो दुकान थी जहां से शुरू से ही वो अपनी विभिन्न वेशभूषाओं के लिए मेकअप का सामान और अन्य प्रॉप्स प्राप्त करता था। दुकानदार उसे मिनर्वा स्टूडियो के मेकअप मैन का सहायक समझता था। 11 बजे के करीब विमल चेंबूर में था। उस घड़ी वो चार खाने वाली तहमद और गोल गले की जालीदार बनियान पहने था। अपने सिर पर उसने गंजा विग लगाया हुआ था और उसके ऊपर जालीदार गोल काली टोप पहनी हुई थी। उसकी थोड़ी पर बकरे जैसी दाढ़ी थी और ऊपरले होंठ पर कोरी से नीचे लटकती मूछें थी। उसके गले में काले धागे से बंधी एक ताबीज लटक रही थी और दाईं कलाई पर भीतर की ओर खूब बड़ा बड़ा अल्लाह गुदा हुआ था। उसकी पेशानी पर एक काला दाग था जो उस अत्यंत धर्मपरायण मुसलमान के अपने बनाने वाले की धोरी पर उसके द्वारा किए गए बेशुमार सजदों की दस्तावेज था। वाहे गुरु सच्चे पाशा, विमल मन ही मन बोला, तू मेरा राखा सब निथाई। फिर उसने अपनी साइकिल को उस सड़क पर डाल दिया जिस पर तुकाराम का मकान था। गाहे बगाहे घंटी बजाता हुआ वो तुकाराम के मकान के बंद दरवाजे के सामने से गुजरा। सड़क पर काफी चहल पहल थी लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। अलबत्ता विमल का ध्यान हर तरफ था। उसकी पैनी निगाहों ने बहुत सी बातें नोट की। मसलन, तुकाराम के मकान के प्रवेश द्वार के ऐन पहलू में फुटपाथ पर मेज लगाए एक धोबी कपड़े प्रेस कर रहा था। यूं कपड़े प्रेस करते धोबी की किसी रिहायशी इमारतों वाली सड़क पर मौजूदगी आम बात थी, लेकिन जो बात आम नहीं थी वो ये थी कि उस धोबी ने अपनी मेज फुटपाथ पर यूं लगाई हुई थी कि उसकी पीठ दीवार की तरफ थी और मेज उसके सामने थी, जबकि ऐसे धोबी मेज दीवार के साथ सटाकर लगाते थे और स्वयं सड़क की ओर पीट करके उसके सामने खड़े होते थे और अपना काम करते थे। सड़क से पार तुकाराम के मकान के सामने ही फुटपाथ पर एक मोची बैठा था। उसने अपने आसपास ढेर सारे जूते फैलाए हुए थे और उस घड़ी वो एक जूते को पॉलिश मार रहा था। उससे थोड़ा परे सामने कटोरा रखे एक भिखारी बैठा था। एक बावर्दी हवलदार डंडा हिलाता गश्त कर रहा था, लेकिन उसकी गश्त का दायरा तुकाराम के मकान के आसपास तक ही सीमित था। वो डाकखाने पहुंचा। डाकखाना उसी सड़क पर तुकाराम के मकान से मुश्किल से 2 फरलांग दूर था। वहां के पब्लिक टेलीफोन से उसने तुकाराम का नंबर डायल किया। तत्काल उत्तर मिला। तुका, विमल सावधानी से बोला। कौन बोलता है? एक नितांत अपरिचित आवाज ने पूछा। रमेश। रमेश कौन? तेरा बाप। साले रॉन्ग नंबर है तो साफ साफ बोल। मैं तुकाराम को बुलाता हूँ। शाबाश, वो प्रतीक्षा करने लगा। हेलो, कुछ क्षण बाद उसे तुकाराम का अत्यंत भावहीन स्वर सुनाई दिया। मैं तुकाराम बोल रहा हूँ। तुका, विमल सावधानी से बोला। मैं। तू यहाँ आ जा। विमल को सख्त हैरानी हुई। उसने सुनने तक की कोशिश नहीं की थी कौन बोल रहा था और उसे घर आने का बुलावा दे दिया था। फिर हम सब इकट्ठे बैठकर बातें करेंगे। हम सब? विमल सक पकाया। उसने मन ही मन सोचा, कौन हम सब? तुकाराम का स्वर अभी भी सर्वदा भाविन था।
तू आ रहा है ना? मैं? हाँ, मैं कौन? आ रहा है ना तू? वागले कहाँ है? यहाँ आ जा, बाकी बातें फिर होंगी। दादा, वो मनी मन बोला, तू का तो इतने मामूली सवाल का जवाब भी टाल रहा था। आ रहा है ना तू? हाँ, अगर बारिश ना होने लगी तो। उसने हौले से रिसीवर वापिस हुक पर टांग दिया। तुकाराम यकीनन अपने घर में गिरफ्तार था और जो कुछ उसने फोन पर कहा था वो उसे कहलवाया गया था। 15 मिनट बाद बाईसाइकिल चलाता वो फिर तुकाराम के मकान के आगे से गुजरा तो उसने पाया कि धोबी उस घड़ी भी पहले वाली ही नीली धारियों वाली कमीज प्रेस कर रहा था। मोची तब भी उसी काले जूते के बाएं पांव पर पॉलिश मार रहा था। हवलदार वहीं गश्त कर रहा था और भिखारी पहले की ही तरह भीख से हासिल होने वाले पैसों से उदासीन फुटपाथ पर बैठा था। अपने पांव में विमल अंगूठे वाली चप्पल पहने था। उसने चप्पल के दाएं पांव का अंगूठा जबरन उमेट कर तोड़ दिया और फिर साइकिल चलाता मोची के पास पहुंचा। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और मोची के सामने उकड़ू बैठ गया। उसने टूटी चप्पल मोची के सामने कर दी। क्या है? मोची रूखे स्वर में बोला। अबे दिखता नहीं है क्या? विमल आंखें निकालता हुआ बोला। साले चप्पल टूटे लाए, इसे जोड़। कहीं और से जुड़वा। कहे इधर क्या बांधा है? देखता नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। पॉलिश ही तो मार रहा है जूते पर, जिसका कि इधर कोई ग्राहक भी नहीं दिखेला है। पहले चप्पल जोड़। मोची ने भुनभुनाते हुए चप्पल संभाली। उसने कहीं से 2 कील बरामद किए। कीला नहीं मांगता, विमल बोला, सिलाई कर। सिलाई नहीं होती, कील ठुकवाना है तो बोल, नहीं तो। ठीक है, कीला ही ठोक। बड़े ही बेहुदा ढंग से मोची ने चप्पल के अंगूठे पर 2 कील ठोकी और चप्पल विमल के सामने डाल दी। विमल ने चप्पल पहन ली और उठ खड़ा हुआ। मोची ने फिर पॉलिश के लिए जूता उठा लिया। पैसा? विमल बोला। पैसा? मोची उलझनपूर्ण स्वर में बोला। अबे कीला ठोकने का कोई पैसा पत्ता लेगा कि नहीं लेगा? ओह, मोची एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, 1 रुपया दे। अरे क्या गजब करेला है, 2 कीला ठोकने का 1 रुपया? अच्छा अच्छा, 8 अठन्नी निकाल। विमल ने उसे 5 का नोट दिया। छुट्टा नहीं है, मोची बोला। क्या बात है, सवेरे से कोई ग्राहक नहीं आया? जैसी सी बात नहीं, विमल ने उसे 8 अठन्नी दी। तब तक उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि वो कोई मोची नहीं, मोची बन बैठा कंपनी का कोई प्यादा था। वो करीबी बैठे भिखारी के पास ठिटका। उसने उसके कटोरे में 1 सिक्का डाला। भिखारी के कान पर जूं तक नारेंगी। अबे साले हलकट, विमल झुंझलाए स्वर में बोला, भीख लिए कि कोई कर्जा वसूल किए लाए? भिखारी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला। क्या बोला? जो तू सुना। कैसा भिखारी है तू, भीख लेता है दुआ नहीं देता? भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ ऐसा, पहले क्या अफीम के नशे में था? भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। जस्सी मत बोल, अब मैं और 8 अठन्नी नहीं देने वाला। तभी हवलदार करीब पहुंचा और अपने डंडे से उसकी साइकिल खटखटाता हुआ बोला, साइकिल हटाओ इधर से। हटाता है बाप, विमल बोला। सड़क पर साइकिल खड़ी करने का नहीं है, पण स्त्री का वास्ते मेज लगाने का है, जूता काटने का है, भीख मांगने का है। जैसी बात नहीं मांगता, हवलदार आंखें निकालता हुआ बोला। जैसी बात नहीं मांगता, अंदर होना नहीं मांगता तो चलता बन। अब भी गया बाप, अब भी का अब भी गया। विमल साइकिल धकेलता हुआ वहां से रवाना हो गया। वो बड़ी आसानी से कंपनी के 4 प्यादों पर काबू पा सकता था और उन्हें निशस्त्र करके उन्हें वहां से रुखसत कर सकता था। ऐसा पहले वो बोरीवली के स्टेशन पर कंपनी के 4 की जगह 5 प्यादों के साथ कर चुका था, लेकिन उससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। भीतर तुकाराम के मकान में 4 के बदले में 40 आदमी हो सकते थे, जिन लोगों से वो अकेला नहीं जूझ सकता था। फिलहाल वहां से ठंडे ठंडे कुछ कर जाना ही ठीक था। अपनी नाकामी की दास्तान के साथ श्याम डोंगरे इकबाल सिंह के सामने पेश हुआ। अगर आपने, वो बोला, मुझे प्लेन से जाने दिया होता तो वो 6 की जगह 36 घंटे लेट हो जाता, इकबाल सिंह झल्ला कर बोला। तो वो बंबई से उड़कर भी वापस लौट आता तो वो समुद्र में जा गिरता, जो काम नहीं होना होता वो नहीं होता। डोंगरे खामोश रहा। कोई बात नहीं, कुछ क्षण की खामोशी के बाद इकबाल सिंह बोला, आएगा तो वो बंबई में ही, आखिर उसने मुझे दी अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाना है। डोंगरे कुछ ना बोला। तेरे पीछे यहाँ जो कुछ हुआ तुझे उसकी खबर है ना? डोंगरे ने सहमति में सिर हिलाया। मुंडी मत हिला, इकबाल सिंह डपट कर बोला, मुंह से बोल। हाँ, डोंगरे हड़बड़ा कर बोला, खबर है। अब आगे क्या करेगा?
इब्राहिम कालिया का एक बहुत बड़ा अड्डा मेरी निगाह में है। आज रात मैं खुद उस पर बहुत बड़ा झपट्टा मारूंगा। कैसे? डोंगरे बताने लगा। आखिर वो उसका पसंदीदा काम था। विमल लोकल ट्रेन में सवार था और अपने डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ा ठंडी समुद्री हवा का आनंद ले रहा था। चैम्बूर से वो लोकल में सवार हुआ था और तभी से अपने सामने एक मामूली शक्ल सूरत वाली दुबली पतली नौजवान लड़की को खड़ा देख रहा था। वो एक निहायत मामूली सूती साड़ी और ब्लाउज पहने थी। उसके गले में मंगलसूत्र था, मांग में सिंदूर था और चेहरे पर परेशानी के ऐसे गहन भाव थे कि उसकी परेशानी की वजह जाने बिना उसकी सूरत देख देख कर ही विमल का दिल पसीजा जा रहा था। पता नहीं क्या परेशानी है बेचारी को, वो मन ही मन सोच रहा था। जरूर बच्चा बीमार होगा या नौकरी पर आबनी होगी या लोकल साइन के स्टेशन पर कुछ क्षण को रुकी, कुछ मुसाफिर चढ़े, कुछ उतरे और लोकल फिर पटरियों पर दौड़ चली। उधर सीट खाली है, एकाएक विमल बोला, जाकर बैठ जाओ। लड़की ने हड़बड़ाकर गर्दन उठाई। विमल को लगा जैसे उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही हों। क्या? वो बोली। मैं बोला, विमल ने दोहराया, उधर सीट खाली है, बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ, मेरे को तो अगले स्टेशन पर उतरना है। मेरे को भी। दरवाजे से जरा हटके खड़ी हो, धक्का लगा तो नीचे जा गिरोगी। लड़की ने उत्तर ना दिया। उसने दरवाजे पर से हटने का उपक्रम भी ना किया। लोकल उस वक्त पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। विमल की निगाह लड़की से परे भटक गई। कुछ ही क्षण बाद एक अप्रत्याशित हलचल की वजह से उसका ध्यान फिर पलटा। फिर बिजली की फुर्ती से उसका दायां हाथ आगे बढ़ा और उसने लड़की की बांह को दबोच लिया। छोड़ो, लड़की ने आंतरनाद किया, छोड़ो। विमल ने उसे छोड़ने का कोई उपक्रम नहीं किया। उसने बहुत सख्त निगाहों से उसे घूरा। केवल एक क्षण के लिए ही लड़की उसे निगाह मिलाने की ताव ला सकी। फिर उसकी निगाहें झुक गई और शरीर ढीला पड़ गया। विमल ने तब भी उसकी बहाना छोड़ी। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। फिर ट्रेन कोलीवाड़ी के स्टेशन पर रुकी। अब छोड़ो, लड़की मरे स्वर में बोली, मैंने यहां उतरना है। मैंने भी, विमल बोला। दोनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर गए। तब विमल ने उसकी बांह छोड़ी। तुम, वो धीरे से बोला, चलती ट्रेन से कूदने लगी थी? लड़की ने उत्तर ना दिया। आत्महत्या करने जा रही थी? लड़की फिर भी खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जरा इधर आओ, यंत्र चालित से लड़की उसके साथ होली। विमल उसे भीड़ भाड़ से परे प्लेटफॉर्म के एक अपेक्षाकृत तन्हा कोने में ले आया। चाय पियोगी? वो बोला। लड़की ने इनकार में सिर हिलाया। नाम क्या है तुम्हारा? काशीबाई। काशीबाई, आत्महत्या करना पाप होता है। उत्तर में लड़की की आंखों से आंसुओं की दो मोटी मोटी बूंदें ढुलक पड़ी। देखो, विमल अपने वर्तमान बहुरूप की ओट लेता हुआ बोला, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मुझे बताओ, क्यों तुम अपनी जान देने पर आमादा थी? फायदा? शायद कुछ हो। ना भी हो तो ये जानकर बताओ कि दुख बांटने से दुख हल्का होता है। उत्तर में लड़की ने जो कहानी सुनाई वो हिंदुस्तान के गरीब तबके के घर घर की कहानी थी। दो बेटियां पहले ब्याह कर कंगाल हो चुके उसके बाप ने कर्जा लेकर बड़ी मुश्किल से उस तीसरी बेटी की 6 महीने पहले शादी की थी और अब उसके ससुराल वाले 50,000 रुपए और मांग रहे थे। मेरे बाप का रोम रोम पहले से ही कर्जे से बिंधा हुआ है, लड़की सुबकती हुई बोली। वो 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा? तुम्हारे ससुराल वाले मांग क्यों रहे हैं ये रकम? विमल बोला। कहते हैं बिजनेस के लिए चाहिए, बाद में लौटा देंगे। रकम ना मिलने पर वो क्या करेंगे? मुझे मेरे माँ बाप के पास वापिस भेज देंगे। लड़के को, मेरा मतलब है, तुम्हारे खाविन को ये मंजूर होगा? उसी को तो रुपया चाहिए, उसी ने तो बिजनेस करना है। कहता है मैं घर से रुपया ना लाई तो वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा और यूं दूसरी जगह से रुपया हासिल कर लेगा। ऐसा नहीं कर सकता वो। वो जरूर करेगा, वो लोग बड़े जालिम हैं। मुझे 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया उन लोगों ने। बोले वापिस लौटू तो 50,000 रुपया लेकर ही लौटू। इस बाबत तुमने अपने बाप को बताया? नहीं, ना बताया है ना बताऊंगी। मैं क्या अपने बाप की दुश्वारियों को जानती नहीं? वो 50,000 रुपए का हरगिज इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें बताना तो पड़ेगा, यूं मायके आ बैठने की कोई वजह तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। असल वजह तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारे ससुराल वाले बता देंगे। तुम्हारे माँ बाप आखिर पूछेंगे तो सही उनसे कि क्यों यूं लड़की वापिस भेज दी। हाँ, तभी तो मैं ट्रेन से कूदने लगी थी। वो खामोश रही। करता क्या है तुम्हारा बाप? पुलिस में है। पुलिस में? विमल हक बकाया।
फिर भी 50,000 की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता? वो पुलिस की वैसी नौकरी में नहीं है। क्या मतलब? उसकी बाबूगिरी वाली नौकरी है, डेस्क वर्क, क्लरिकल जॉब। हाँ, क्या नौकरी है उसकी? पुलिस हेडक्वार्टर में फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कीपर है। विमल अपलक लड़की को देखने लगा। दाता, वो होंठों में बुदबुदाया, तेरा अंत न जाई लखिया। क्या? लड़की बोली। कुछ नहीं, विमल बोला। नाम क्या है तुम्हारे बाप का? हवलदार केशवराव भोंसले। पता? लड़की ने उसे कोलेवाड़ी का एक पता बताया। ड्यूटी तो 10 से 5 ही करता होगा। हाँ। विमल क्वेश्चन खामोश रहा और फिर बोला, 50,000 रुपया अगर तुम्हारी दुश्वारी का हल है तो वो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। जी, लड़की भौचक्की सी बोली। उसने बड़े अविश्वासपूर्ण ढंग से विमल के फटे हाल पर सिर से पांव तक निगाह दौड़ाई। लेकिन यूं तुम्हारे पास इस रकम की मौजूदगी को बड़ी गलत निगाहों से देखा जाएगा। कोई नहीं मानेगा कि एक राह चलते मियां ने तुम्हें यूं ही 50,000 की रकम थमा दी। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लेकिन समझ नहीं रही हो। कोई बात नहीं, रात होने तक समझ जाओगी। कैसे? रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे बाप से बात करूंगा। उस बातचीत का जो नतीजा निकलेगा, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा होगा जो सबको राजी कर देगा। तुम्हें, तुम्हारे ससुराल वालों को, तुम्हारे माँ बाप को और मुझे भी। आपको भी? हाँ, अब तुम मेरे से वादा करो कि तुम खुदकुशी कर लेने जैसी वानगी को दोहराओगी नहीं और चुपचाप घर जाओगी। मैं वादा करती हूँ। जिस पीर पैगंबर को मानती हो उसकी कसम खाकर वादा करो। मैं गणपति की कसम खाकर वादा करती हूँ। शाबाश, अब इस तसल्ली के साथ घर जाओ काशीबाई कि अब मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का मुहाफिज हूँ। लड़की की आंखें फिर छलछला आई। आप है कौन? वो रूंधे कंठ से बोली। मैं हूँ खुदा का एक गुनाहगार बंदा जो अपने बनाने वाले से अपने गुनाह बख्शवाने का ख्वाहिशमंद है। लड़की के चेहरे पर उलझन के भाव आए। अब जा बहना, विमल बोला, मैं रात को। पहले बेटी कहा, लड़की मंत्रमुग्ध स्वर में बोली, अब तेरे घर आऊंगा और तेरे पिता हवलदार केशवराव भोसले से बात करूंगा। काशीबाई यंत्रचालित से घूमी और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गई। देह शिवावर मोहिए, पीछे विमल होठों में बुदबुदाया, शुभ कर्मन्ते कभु न डरो। चैप्टर 2। विमल कोलीवाड़े में स्थित सलाउद्दीन के होटल मराठा में पहुंचा। सलाउद्दीन वागले का जिगरी यार था और वो पहले भी विमल और तुकाराम बंधुओं के बहुत काम आ चुका था। उसने होटल में कदम रखा। रिसेप्शन पर सलाउद्दीन का बड़ा लड़का जावेद मौजूद था। अरे मिया, उसके फटे हाल पर निगाह पड़ते ही जावेद बोला, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? विमल खाली रिसेप्शन पर पहुंचा और धीरे से बोला, मुझे सलाउद्दीन से मिलना है। जावेद ने सिर से पांव तक उस पर निगाह डाली और फिर उलझनपूर्ण स्वर में बोला, तुम जानते हो उन्हें? हाँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ। मुझे भी? हाँ, तुम जावेद हो, सलाउद्दीन के साहबजादे, 4 भाइयों में सबसे बड़े। मैं तुम्हें, आपको नहीं जानता। जान जाओगे। कहाँ है तुम्हारे अब्बा जानी? पीछे ऑफिस में, बुलाता हूँ। बुलाओ मत, मुझे वहां ले चलो। जावेद अपने स्थान से हटा। उसने आगे बढ़कर हिचकिचाते हुए रिसेप्शन के पहलू में ही बने ऑफिस का बंद दरवाजा खोला। विमल ने उसके पीछे भीतर कदम रखा। सलाउद्दीन ऑफिस टेबल के पीछे बैठा एक लेजर लिख रहा था। अब्बा जानी, जावेद बोला, ये मिलने आए हैं आपसे। सलाउद्दीन ने सिर उठाया। कौन हो बिरादर? वो उलझनपूर्ण स्वर में बोला। साहबजादे को रुखसत करें, विमल बोला, बताता हूँ। पहले बताओ। सोहल। सोहल? सोहल कौन? सोहल एक ही है इस सृष्टि में, मुझे तो यहाँ सोहल दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी, विमल ने अपना गंजा वेग, दाढ़ी मूछ वगैरह उतार कर सब कुछ मेज पर डाल दिया। जावेद हक बकाया सा उसे देखने लगा। मुझे अभी भी सोहल नहीं दिखाई दे रहा, सलाउद्दीन संदिग्ध भाव से उसे घूरता हुआ बोला। यानी कि तुम्हें मेरे नए चेहरे की खबर नहीं? मुझे नए चेहरे की खबर है, लेकिन इस बात की खबर नहीं कि वो नया चेहरा देखने में कैसा है। फिर क्या बात बनी? मैं वागले को बुलाता हूँ। कहाँ से? चैम्बूर से। वो और तुकाराम परसों ही तो यहाँ से गए हैं। नहीं बुला पाओगे। क्यों? विमल ने वजह बताई। ओह, सलाउद्दीन बोला। मैं तो, विमल बोला, यहाँ किसी मदद की उम्मीद से आया था। वो तो हासिल हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे यकीन तो आए कि तुम सोहल हो। तुम्हारी तो आवाज़ भी नहीं मिलती सोहल से। चेहरे की तरह आवाज़ की भी सर्जरी हो गई है।
ऐसा कहीं होता है? होता है। अगर तुम सोहल हो तो बताओ, तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? यहीं हुई थी। मैं यहाँ वागले से मिलने आया था। वागले तब यहाँ सबसे ऊपर की मंजिल के कमरे में किसी डिकोस्टा और बाबू महेंद्र नाम के दो मवालियों की गिरफ्त में फंसा हुआ था, जो कि उससे बखिया की लिटिल बुक हथियाना चाहते थे और जो कि हकीकतन तुम्हारे पास थी। आगे? फिर हम दोनों ने ऊपर जाकर वागले को उन बदमाशों के चुंगल से छुड़ाया था। रजिस्ट्री आई होने के बहाने मैंने वागले को एक रिवॉल्वर थमा दी थी, जिससे उसने उन दोनों बदमाशों को शूट कर दिया था। लाशों का क्या हुआ था? तुमने खुद अपने हाथों से लाशों के इतने टुकड़े किए थे कि वो चार सूटकेसों में समा गए थे। फिर उन सूटकेसों के साथ लखनवी नवाब बना वागले और उसकी बुरका नशीन बेगम बना मैं यहाँ से कूच कर गए थे। तुरंत सलाउद्दीन के चेहरे के भाव बदले। वैसे पहले तुम्हारा इरादा उनका कीमा कूट कर कबाब बनाने का और उन्हें होटल के ही रेस्टोरेंट में परोस देने का था। वो मजाक की बात थी। लेकिन थी। तुम सोहल हो? तुम यकीनन सोहल हो। आओ बिरादर। अब सलाउद्दीन बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। जावेद, सलाउद्दीन अपने लड़के से बोला, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जाकर रिसेप्शन पे बैठ और मेरे दोस्त के लिए ठंडा या गर्म कुछ भिजवा। वो विमल की ओर मुड़ा। बिरादर, ठंडा या गर्म? गर्म, विमल बोला। कॉफी। जावेद, सुना? हाँ अब्बा जानी, जावेद बोला और फिर मंत्रमुख सा विमल को देखता हुआ वहां से विदा हो गया। पीछे दरवाजा बंद हो गया। तुम इरफान को जानते हो? विमल बोला। इरफान अली? सलाउद्दीन बोला। वो तुका का शागिर्द? वही। वो मेरे नए चेहरे से वाकिफ है। अगर तुम चाहो तो उसे बुलाकर। जरूरत नहीं, अब मुझे तुम पर पूरा एतबार है बिरादर। वैसे तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? नहीं। यानी कि जरूरत पड़ने पर उसे तलाश नहीं कर सकते? तलाश तो कर सकता हूँ। कैसे? दो तीन ठिकानों पर उसके लिए मैसेज छोड़ना होगा। देर सवेर मैसेज उसे जरूर मिल जाएगा। मैं इरफान अली से मिलना चाहता हूँ, ऐसा इंतजाम करवा दो। ठीक है। तभी जावेद खुद कॉफी लेकर वहां पहुंचा। सलाउद्दीन ने उसे इरफान की बाबत आवश्यक निर्देश दे दिए। जावेद सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से विदा हो गया। विमल ने कॉफी का एक घूंट पिया। तो सलाउद्दीन चिंतित भाव से बोला, अपना दोस्त और उसका आका अपने ही मकान में नजरबंद है। तुका की गारंटी है? विमल बोला। वागले की बाबत मेरा अंदाजा है। सलाउद्दीन ने बड़ी गंभीरता से हुंकार भरी। वो क्वेश्चन खामोश बैठा रहा। फिर उसने मेज पर पड़ा टेलीफोन अपने करीब घसीटकर एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर वागले से बात करने की इच्छा व्यक्त की। क्वेश्चन वो हाँ हूँ करता रहा। फिर उसने फोन रख दिया। वो बिशर्तिया गिरफ्तार है, वो बोला। विमल खामोश रहा। बिरादर, उन्हें छुड़ाने की कोई तरकीब है तुम्हारे जहन में? फिलहाल नहीं, विमल बोला। तो दोस्तों, ये था आपकी नगरी नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।